तो वेलकम टू व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। संस्कृत विषय में आज हम अव्यय शब्द पढ़ेंगे। पहले भी हमने संस्कृत के विषय में बहुत सारे शब्द विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की है, आशा है आपको समझ में भी आया होगा। इसी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं अव्यय शब्द। संस्कृत में दो प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द वो जिनका परिवर्तन लिंग विभक्ति कारक के अनुसार जिनके शब्दों में परिवर्तन अर्थ में परिवर्तन हो या उनके रूप में परिवर्तन हो वो विकारी शब्द कहलाते हैं। और ऐसे शब्द जिनका लिंग विभक्ति कारक इनमें परिवर्तन नहीं होता है, उनके रूप एटिटीज रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। इनके रूप में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे आप इनको उपसर्ग के साथ लगाओ, विभक्ति के साथ लगाओ, ठीक, या लिंग के साथ प्रयोग करो, इनका रूप है जैसा ही रहेगा, उनका अर्थ भी वैसा ही रहेगा। ये शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे बहुत से शब्द हैं पर हम कुछ टॉप मोस्ट शब्द आज यहाँ पढ़ेंगे। तो विकारी शब्द, अव्यय शब्द, अव्यय शब्द की परिभाषा के अविकारी शब्दों को अव्यय कहते हैं, जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकार, जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, वो शब्द अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों लिंग वचन कारक विभक्ति आदि के संबंध में रूप परिवर्तन नहीं होता है अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब कुछ ऐसे शब्द जो आपके कोर्स में हैं और टॉप मोस्ट कहलाते हैं, जिन्हें बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है, उनके बारे में मैं ये हम आगे पढ़ते हैं कि कौन से शब्द हैं और उनका क्या अर्थ होता है। तो पहला शब्द है अपि। अपि यानी भी, इसका अर्थ, अपि का अर्थ होता है भी। जैसे अगर कोई कहे कि आप अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में कहते हैं मैं भी हूँ, तो मैं यानी अहम, हूँ यानी अस्मि, भी तो अपि, तो अहम अपि अस्मि, मैं भी हूँ, ऐसा आपको वहाँ पूछा जाता है या ऐसा मंजूषा दी जाती है जिसमें रिक्त स्थान छोड़ दिए जाते हैं और आपको उनके अर्थ के हिसाब से इनको भरना होता है। तो इनके अर्थ अपि यानी भी, इति, इति के अर्थ होते हैं क्योंकि, ही, समाप्त, अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे हम किसी, आपने रामायण पढ़ी होगी या कोई अंक काव्य नाटक पढ़ा होगा, उसके अंत में लिखा होता है इति, इति द्वितीय अध्याय, यानी द्वितीय अध्याय समाप्त, ठीक है। कोई किसी में आता है, जैसे हम समास में पढ़ते हैं अधि हरि, ठीक है, इसका अर्थ होता है हरौ इति, यानी हरि ही और कुछ नहीं, तो हरि ही। इति यानी क्योंकि भी होता है, कहीं कहीं श्लोकों में हम पढ़ते हैं, अलंकार में हम पढ़ते हैं, तो वहाँ आता है, तो वह उसका अर्थ क्योंकि होता है। तो अर्थ जगह के आधार पर इनका अर्थ परिवर्तन होता है, मगर तीनों अर्थ में से कुछ और, इसके अलावा कोई और अर्थ नहीं होगा इसका। फिर है ही, ही यानी ही, ही की तरह या एक रूप। हम जब अलंकार पढ़ेंगे, संस्कृत में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये शब्द आता है की तरह, उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, एक रूप, उपमा अलंकार, तो इनमें ये ही शब्द का प्रयोग होता है। उच्चे, उच्चे यानी ऊँचा या जोर से, कोई जोर से बोलता है तो उसको कहता है उच्च नाद कर रहा है, उच्च गर्जना कर रहा है, तो उच्च यानी ऊंचा। नूनम, नूनम यानी निश्चय ही। पूरा, पूरा यानी पहले या प्राचीन समय का, पूरा यानी पहले या प्राचीन समय का। माँ, माँ यानी मत करो, निषेध, मना करना किसी चीज को, तो वो माँ कहलाता है। सहसा, सहसा यानी हम जानते हैं अचानक, एकदम अचानक से हमारे सामने कोई चीज़ आती है तो हम कहते हैं सहसा, या बिना विचारे, बिना किसी सोच विचार के कोई शब्द, कोई कार्य करना, तो वहाँ पर सहसा कहलाता है। बही, बही यानी बाहर, आउटसाइड। शने, शने यानी धीरे, स्लो। अत्र, अत्र यानी यहाँ, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, ये समझने की चीज़ है। आप एक्शन के साथ चलेंगे तो ये शब्द आपको जल्दी से याद हो जाएंगे, जैसे अत्र, अत्र यानी यहाँ, तत्र, तत्र यानी वहाँ, कुत्र, कुत्र यानी कहाँ, ठीक है। कदा, कदा यानी कब। फिर
कुतः, कुतः यानी कहाँ से, इतस्ततः इधर उधर, यदा, यदा यानी जब, हमने गीता का श्लोक भी पढ़ा है, जल्दी से हमें याद आ जाएगा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, यानी कि जब जब धरती पर अधर्म का, पाप का साम्राज्य बढ़ता है, ठीक है ना, तब, तदा यानी तब, तब तब भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतार लेते हैं, कहते हैं तदात्मानम सृजाम्य हम, तब तब मैं धरती पर अवतार लेता हूँ। यथा, यथा यानी जैसे, हम लिखते हैं ना एग्जाम्पल, तथा, तथा यानी वैसे, बिना के बिना, जैसे कहते हैं मैं राधा के बिना श्याम अधूरा है, तो के बिना, ऐसा कहीं होता है तो वहाँ पर बिना शब्द लगाते हैं। यावत, यावत यानी जितना या जब तक, जैसे कहते हैं जितना तुम कर सको या जब तक आपकी सामर्थ्य हो, तो उस जगह पर यावत शब्द का प्रयोग करते हैं। तावत यानी उतना या तब तक, यत, यत यानी होता है जो, जो, क्योंकि या किसी भी प्रकार, तीनों प्रकार, तीनों अर्थ होते हैं। कदापि, कदापि यानी कभी भी। अद्य, अद्य यानी आज, टुडे। इसी प्रकार स्वह, स्वह यानी आने वाला कल, टुमर, ठीक है ना। ही यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। अधुना, इदानीम और संप्रति, इन तीनों शब्दों के अर्थ होते हैं अब। अधुना लिखो, इदानीम लिखो या संप्रति लिखो, तीनों का अर्थ क्या होता है, अब, और होता है किम, किम यानी कैसा। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के हिसाब से चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में कह, स्त्रीलिंग में का, नपुंसकलिंग में किम, या संभाषण की भाषा में कहें तो एक जैसा प्रयोग भी करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि तुम कैसे हो, तो क्या कहेंगे, त्वम किम असि, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपके ये अव्यय शब्द होते हैं, इनके आपको अर्थ को याद करना है। ये याद, याद करने से ही ये चले, एक तरह से इनको वोकेबुलरी कह सकते हैं हम, जैसे इंग्लिश में वोकेबुलरी होती है, ये संस्कृत की वोकेबुलरी है, ठीक है। इनको याद करना पड़ेगा, जितना आप याद करोगे उतना ही आप अपनी संस्कृत में परफेक्टनेस ला सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इनके वाक्यों में प्रयोग पढ़ेंगे, या इनकी जो फिलिंग द ब्लैंक मंजूषा आती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।